बीजेपी वालों ने मेरा खून की तरफ रखा। कल अशोक कोटारे जी का टेलीफोन आया, बड़ाना जी कहा मगाजी ड्यूटी में हूँ, भैया भैया वोट किसे कर रहे हो, मगाजी सारे विधायक ने गाली दे रहे हैं, हमें भी दे रहा है, दे रहे हैं, गाली दे रहे क्या करेंगे, गाली गाली भी सुनेंगे उसके, ऐसे वोट भी देंगे, बताओ कहाँ की बात है, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वन विभाग में तैनात एक दरोगा का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल यह दरोगा जी मेरठ के मवाना स्थित करीम नगर में सपा एलडी के प्रत्याशी की जनसभा में पहुंचे और वहां माइक थामकर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस दौरान दरोगा अजीत भड़ारा ने कहा कि बीजेपी वालों ने उनका खून पी रखा है और ये गुर्जर समाज के लिए खतरा है, इसलिए मैं आज ही अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अजीत भड़ारा अब सपा रालोद का समर्थन कर रहे हैं। इस्तीफे के ऐलान के दौरान उन्होंने बुलंदशहर के प्रभारी और मंत्री अशोक कटारिया समेत बीजेपी नेता संगीत सोम पर भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव डालने का आरोप भी लगाया। अजीत भड़ारा साल 1984 से नौकरी में थे और उनके रिटायरमेंट में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी था। वह बुलंदशहर के मवाना के देदूपुर गांव के रहने वाले हैं। अजीत भड़ारा ने बताया कि वो पिछले 34 साल से वन विभाग में काम कर रहे हैं और उनका इस सरकार से ज्यादा उत्पीड़न कभी नहीं हुआ। हस्तिनापुर के बीजेपी विधायक दिनेश खटीक और सरधना के विधायक संगीत सोम और उनके समर्थक जब भी उन्हें फोन करते हैं तो उनके साथ अपमानजनक तरीके से फोन पर बात करते हैं और कई बार उन्हें गलत काम करने के लिए दबाव बनाते हैं। साथ ही उनसे कहा गया है कि अपने समाज के लिए वोट दिलवाओ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने नेताओं की अपमानजनक भाषा सुनने के लिए वर्दी नहीं पहनी थी, मैं भारी मन से अपनी नौकरी को छोड़ रहा हूँ, बीजेपी वाले नौकरी नहीं दे रहे बल्कि नौकरी छीन रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमें नहीं चुनना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बुलंदशहर के वन विभाग की जिला वन अधिकारी विनीता सिंह ने कहा कि कल शाम एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें बुलंदशहर में तैनात वन दरोगा अजीत भड़ाना राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं। वीडियो मिलने के बाद उनसे 24 घंटे के अंदर सफाई देने को कहा गया है। स्पष्टीकरण आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारे समाज के आदमी है तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ, योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र जो परोसा करो, योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपने अपने अधिकारी को भेज दिया है। ये बीजेपी का शासन, ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरे के लिए तो बहुत खराब है, गुजरों के लिए तो बहुत खराब है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं अभी जो है थोड़ी देर बाद भाषण दूंगा, दोबारा आऊंगा, फिर अभी मैं पहले ये ड्रेस जो है ना इन बीजेपी वालों को भेजू, और ये ड्रेस से ना पहन के देखियो भाई, नौकरी मिलनी मुश्किल है, ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं, मुझे बीजेपी वाले बताओ। अशोक कटारे जी ने टेलीफोन आया, मेरे समाज के सम्मानित मंत्री हैं, नौकरी देने से तो गए, नौकरी ले रहे हैं और उल्टी, बताओ किसी एक बालक को भी नौकरी दी हो, मिल में नहीं लगाया हो कोई, हाँ संदीप प्रधान ने दिया था टेलीफोन मिलाकर, वो बीजेपी के महामंत्री, ये बीजेपी के जो महामंत्री हैं।